अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और दोस्तों अभी हम जा रहे हैं बुरहानपुर का वाटरफॉल देखने। जी हाँ दोस्तों, हम जा रहे हैं अभी बादल कोरा वाटरफॉल। आपको ले जा रहे हैं जिसे बुरहानपुर के लोग बादल कोरा कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बादल कोरा एक वाटरफॉल है, बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है, पहाड़ों से गिरता हुआ झरना, जिसे देख के आप कुदरती मनाजिर को सराहने लगेंगे। तो हम आपको वहीं ले जा रहे हैं, तो हमारे साथ देखिए आप नदी के अंदर पत्थर तक हमें दिख जा रहे हैं। और क्यों ना हो, ये जंगल की नदी है, जंगल की नदियाँ तो बहुत खूबसूरत होती है। मुश्किल हो जा रहा है, तो हमारे साथी जो है इस नदी में बाइक डालने के लिए तैयार है। आप देख सकते हो इन्हें थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रमजान भाई नदी का मुआयना कर रहे हैं कि पानी कैसा है। और ये आप देख सकते हैं हमारे पीछे नईम भाई गाड़ी लेके आ रहे हैं। और नदी पार करना बहुत दुश्वार हो गया है, लेकिन फिर भी नदी नईम भाई जो है हिम्मत करके गाड़ी को पानी में डाल चुके हैं। और देखना यह है इनकी हिम्मत कब तक बरकरार रहती है। और दोस्तों ये बादल कोरा का रास्ता काफ़ी मुश्किलों से भरा रहा है। जंगल में चल रहे हैं और अभी तक हम बादल कोरा पहुंचे नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्द पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे जंगल कैसा जंगल है और जगह जगह हमको नहरें नदियां। तो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और हम बादल कोरा वाटरफॉल के बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। चंद ही लम्हों के बाद हम आपको नज़ारा दिखाने वाले हैं जिसके लिए हम 35 से 40 किलोमीटर दूर सफ़र करके आए हैं। तो आप इस व्लॉग में बने रहे और वो नज़ारा अपनी आंखों से देखें, जिस नज़ारे का आप काफ़ी बेसब्री से और हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो बहुत मुशक्क़तें उठाना पड़ी हमें यहाँ तक आने के लिए। 3 मरतबा तो हमारा सामना नहरों से और नदियों से हुआ और गाड़ी नदी में निकालना बहुत मुश्किल हो गया था। अभी भी हम बड़े बड़े पत्थरों पे चल रहे हैं और गाड़ी हमने जंगल में काफ़ी दूर एक मंदिर के पास लगा दी है। और आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा सफ़र हमको पैदल भी तय करना पड़ा और यहाँ बड़े बड़े पत्थर हैं जिस पे चढ़ाई करना पड़ रही है हमें। तकरीबन हम पहुँच चुके हैं बादल कोरा वाटरफॉल, जो झरने पहाड़ की बुलंदी से, पहाड़ की चोटी से एक आबशार गिरता है, एक झरना गिरता है, वो अभी हम देखने वाले हैं। फाइनली हमारी
इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और हम जिस चीज़ के लिए बुरहानपुर शहर से निकले थे हम वहाँ पहुँच चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, पहाड़ों से गिरते हुए आबशार को देखने के लिए जिसे बुरहानपुर वाले बादल खोरा कहते हैं और हम आप पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पहाड़ से गिरता हुआ खूबसूरत झरना। जी हाँ दोस्तों, हम बादल खोरा का झरना आपको दिखा रहे हैं और बड़ी मुशक्कत उठाने के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं। आप इस झरने को मुलाहजा कर सकते हैं, तो आप इस ब्लॉग में बने रहे, हम आप वो झरने के पास ले जा रहे हैं। जंगल में मौजूद खूबसूरत वाटरफॉल जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं और अब हम इसके करीब जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ बने रहे ताकि कोई भी दृश्य, कोई भी मंजर आपसे छूट ना सके। झरना मुझसे कुछ ज़्यादा दूर नहीं है लेकिन पानी बहुत गहरा है और हम इसमें हाथ भी नहीं डालने वाले हैं क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गहरा है और आप इसका अंदाज़ा पहाड़ी से गिरने वाले इस झरने को देखकर लगा सकते हैं। और ये दोस्तों यही वो झरना है जिसके ताल्लुक से हमने वीडियो की इब्तदा में बताया था कि हम बुरहानपुर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर जसोली से 10 किलोमीटर दूर बादल खोरा नामी एक जगह जा रहे हैं और यही वो बादल खोरा झरना है जिसको दिखाने के लिए, यही वो वाटरफॉल है जिसको दिखाने के लिए हम 40 किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ आया। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और बेहतरीन कमेंट्स हमें नवाजें। लग रहा है जैसे आबशार बादल से गिर रहा है, इसीलिए इस झरने को, इस आबशार को बादल खोरा कहते हैं क्योंकि ये जब हम इसको पहाड़ की चोटी की तरफ देखते हैं तो हमें यूँ लगता है कि पहाड़ से नहीं बल्कि बादलों से पानी गिर रहा है, बादलों से झरना गिर रहा है, इस वजह से इसका नाम बादल खोरा है। झरने के पास मौजूद तो इन बड़ी बड़ी चट्टानों पर बैठ के नाश्ता कर रहे हैं क्योंकि हम सुबह से निकले हैं और हम जानते थे कि हमें भूख लगेगी, इसलिए हमने कुछ नाश्ते की शक्ल में खाना ले लिया था और इसमें खाने के अंदर अभी आलू के पराठे हैं और बहुत सारी किस्म के अलग अलग चटनियां हैं, खाने हैं जो हमारे नईम भाई, रमज़ान भाई और रईस भाई ने अरेंज किए हैं और अब हम वो नोस्ट करने वाले हैं, खाने वाले हैं। तो आप हमारे साथ इस ब्लॉग में बने रहे और कमेंट करके बताइए कि ब्लॉग आपको कैसा लगा है। जी हाँ दोस्तों, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, शुक्रिया। खाना वगैरह खा चुके हैं, खाने से फारिग हो गए और आप जो है नीचे देख सकते हैं रमज़ान तड़वी और नईम अंसारी दोनों जो है बर्तन धोने में लगे हैं क्योंकि इनका काम यही है फिलहाल तो बर्तन धोने का। तो खाना तो हम खा चुके हैं, अब यहाँ से रास्ते सफर बांधने वाले हैं बुरहानपुर वापसी के लिए। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट से हमारी हौसला अफजाई। तो दोस्तों बादल खोरा की हमारी ट्रिप पूरी हुई है और अब हम बादल खोरा से अपने घर बुरहानपुर के लिए जा रहे हैं। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा इस बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम आपके लिए और खूबसूरत खूबसूरत ब्लॉग बनाने की कोशिश करें। तो दोस्तों ये बादल खोरा वाटरफॉल तक आने के लिए आपको बुरहानपुर से तकरीबन 40 किलोमीटर का सफ़र तय करना होगा। जी हाँ दोस्तों, बुरहानपुर से जसोंदी और जसोंदी से 8 किलोमीटर दूर जंगल में ये वाटरफॉल मौजूद है, तो आप एक बार इसे ज़रूर विजिट करें, बहुत खूबसूरत नज़ारा है, बहुत मज़ा आया। तो मिलेंगे अगले किसी व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें, अस्सलाम वालेकुम।